सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विपरीत हस्तपाद नमस्कार आसन बतलाने जा रहा हूँ। यह आसन प्रातःकाल और सायंकाल दोनों ही समय किया जा सकता है। इस आसन को करने के लिए आप शौच क्रिया से निवृत्त हो लें और खुले जगह पर ढीले ढाले कपड़े पहनकर कंबल या दरी बिछा करके लेट जाए और उसके बाद इस आसन को शुरू करेंगे। इस आसन को करने के लिए आपको दोनों पैरों को पीछे से सटा लेना है, पैरों के तलवों को, और दोनों हाथों को भी पीछे से सटा लेना है, यानी हथेलियों को। तो हथेलियों को और तलवों को पीछे से सटा लेना है, नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लेना है, और सर को पीछे झुला देना है जितना झुला सकते हैं। जैसे सामने की ओर नमस्कार करते हैं तो आगे की ओर झुलाते हैं सर को, इसी तरह से चूँकि ये पीछे नमस्कार की मुद्रा है तो पीछे की ओर सिर झुलाते हैं। इस आसन को करने का लाभ यह है कि यह आपके टखने को, आपके तलवे को, आपकी पिंडलियों को, जांघों को मजबूती देता है। यह कमर को, गुर्दे को, आंतों को, पेट को मजबूती देता है। यह पीठ और मेरुदंड को बहुत शक्तिशाली बनाता है, पीठ दर्द को दूर करता है। यकृत संबंधित या यौन संबंधित कोई रोग हो उसको दूर करता है। यह गर्दन को बहुत ताकत देता है और कंधे को भी बहुत ताकत देता है। स्वर भंग जैसी शिकायत है तो वह दूर करता है। और यदि आपको साइनस या स्पॉन्डलाइटिस की समस्या है तो दूर करेगा, या बैक पेन है तो उसे दूर करेगा, शिफ्टिंग पेन है तो उसे दूर करेगा, या सामान्य रक्तचाप करता है और फेफड़े के लिए भी बहुत लाभकारी है। यदि आपको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया, कफ, इस तरह की शिकायत, सर्दी, खांसी, जुकाम है तो उसे यह दूर करता है। यह आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है और करने में भी यह सिंपल है, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति इसे कर लेता है। तो इसे देखें कैसे करते हैं। आपको इसे 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक करना है, अपनी शक्ति सामर्थ्य और ज़रूरत के हिसाब से और अभ्यास के हिसाब से भी। तो इस तरीके से मैंने आपको विपरीत हस्तपाद नमस्कार आसन बतलाया, दोनों पोजीशन करके दिखलाया आपको साइड से और पीछे से, ताकि आपको अच्छा व्यू मिल जाए। तो आप इसे करें, इसका लाभ उठाएं। ओम हरि।